आप सब देख रहे हैं, देश में कोरोना को लेकर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के नए मामले कम नहीं हो रहे और इस बीच कोरोना के एक नए तरह के स्ट्रेन को लेकर दहशत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कोरोना को हराना है तो डटकर इसका मुकाबला करना ही एकमात्र तरीका है। ऐसे में आपके पास कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई सवाल हो, क्योंकि जानकारियां ही इस समय सबसे बड़ा हथियार हैं। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं कोविड से जुड़ी हुई, तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर ये रहा आपके सामने 0120-490-9900, 0120-490-9900। इस पर आप फोन कर सकते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर हर्षल हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हम कुछ और डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच वेद प्रकाश गुजरात से अपने सवाल के साथ हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर हर्षल सालवे, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, आपने वक्त निकाला इसके लिए। और वेद प्रकाश जी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। वेद प्रकाश जी पूछिए। टीवी का वॉल्यूम आप सब कम करके रखिएगा प्लीज, और जल्दी से सवाल पूछिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को हम बात करा सके एक्सपर्ट्स के साथ। प्लीज पूछिए वेद प्रकाश जी। सर, हमारी हमारी मिसेज को शुगर है, तो उनको इंजेक्शन दिला सकते हैं? शुगर है तो क्या आप वैक्सीन दिला सकते हैं, ये सवाल है क्या आपका? जी जी। उनकी उम्र क्या है? शुगर पेशेंट्स को लेकर ऐसी कोई तो गाइडलाइन नहीं है डॉक्टर साहब कि उनको नहीं दिया जाना चाहिए वैक्सीन, कोई और विशेष बात? शुगर के पेशेंट्स को तो देने ही चाहिए वैक्सीन, क्योंकि वो हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, तो उनको वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगानी चाहिए। राइट। मुकेश है मथुरा से अगले कॉलर, पूछिए मुकेश। हाँ जी, मैं पिछले 12 दिन से पॉजिटिव हूँ जी, तो मुझे लगातार बुखार आ रहा है। कल बुखार उतरा था, आज फिर बुखार चढ़ रहा है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? डॉक्टर हर्षल, बिल्कुल आपका, आपने कहा कि काफ़ी दिनों से आपको बुखार है, कोविड पॉजिटिव है, तो अपने फिजिशियन से बात कीजिए, अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करते रहिए, और पैरासीटामोल आप दिन में 4 बार ले सकते हैं, बुखार जब तक तो जाता नहीं है। कोल्ड स्पॉन्जिंग जिसे हम कहते हैं ना, जब गीला कपड़ा से बदन पोंछते हैं, उसको कीजिए। अपना SpO2 मॉनिटर कीजिए, अगर वो 93 के नीचे आता है तो अपने फिजिशियन से बात कीजिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, सोते हुए छाती के बल सोना है हर 12 मिनट तक, बीच बीच में जब सोते हैं आप 12 मिनट के लिए आप छाती के बल उल्टा सोइए, इससे ऑक्सीजन सेचुरेशन बनने में काफ़ी असर होता है, और कुछ ब्लड की टेस्ट भी करानी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप एक फिजिशियन से अपने बात कीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।